बमलैक्म वरमि वबरकू ख़्वाब में गोश्त खाना गोश्त देखना या देखना कि मैं अपने हाथ का गोश्त खा रहा हूँ या इंसानी गोश्त खाना ख़्वाब में हलाल जानवर का पका हुआ गोश्त खाना माल दौलत मिलने की निशानी है जबकि कच्चा गोश्त रंज और नुकसान की दलील है ख़्वाब में गोश्त खरीदना या बेचना भी रंज और दुख के मिसाल की जानब इशारा करता है अगर कोई शख्स ये ख्वाब देखता है कि उसने अपने ख्वाब में देखा किसी के हाथ खाने के बारे में ख्वाब की तबीर जो है ये अजीब और खौफनाक ख्वाब समझा जाता है जो ख्वाब देखने वाले की कमज़ोरी और बेबसी के एहसास को ज़ाहिर करता है अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो अपना हाथ खा रहा है तो ये अपने आप से अदम इत्मीनान और अपनी सलाहियतों पर अतमद की कमी को जाहिर करता है ख्वाब देखने वाले को आज के साथ एहसास से छुटकारा हासिल करना चाहिए और ख़ुद को अपनी सलाहियत सलाहियतों पर अतमाद करना चाहिए ताहम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने आत को शावत से ना खाएँ क्योंकि इससे शख्सियत और दिमाग में खराबी की निशानदही होती है इसलिए ख्वाब देखने वाले को खुद अतमादी पैदा करने अपनी सलाहियतों का इदराक करने और जागने के लिए काम करना चाहिए ताकि नफसियातीदम तोजुन और अगर कोई है तो वो ठीक हो जाए जजाकल्ल खैरन अल्लामक